हाय एवरीवन, आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9th का मैथ्स का नंबर सिस्टम का। तो जिसमें हमें फर्स्ट इसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, और ट्रू और फॉल्स बताने के साथ साथ आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी रीज़न भी देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं प्लस इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे सारे के सारे रियल नंबर होंगे, यानी कि ट्रू होगा इसका। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, इसका रीज़न लिख सकते हैं आप बिकॉज, तो इसमें आप रीज़न लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, द कलेक्शन of both rational number numbers and irrational numbers are called or is called collection is called क्या होगा? रियल नंबर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन सी दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जो नंबर लाइन पे पॉइंट होता है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है? हैं, वो नेचुरल नंबर हो तो नेचुरल नंबर की हम बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड वाले का फॉल्स। तो इसमें बोला गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो से पहले -1, -2, -3। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट करने पे माइनस में कोई नंबर आ जाए, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं नेचुरल नंबर? ठीक है, नेचुरल नंबर की हम बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इनमें से अगर हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आएगा? 4। यानी कि किसी भी केस में हमारा माइनस में नेगेटिव में नहीं आने वाला कोई भी नंबर, और क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन में हमारे 0, -1, -2, -3 भी होते हैं। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम, यानी कि इसने बोला है कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो डिनोट करते हैं या फिर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम, जिसमें एम हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गाइस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? तो इसका आंसर आपको लिखना है फॉल्स, false, and then you have to write no negative number, likhna hai no negative number can be square root of
एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसका रीज़न सेकंड वाले का नंबरिंग किसे कर रखे, टू से रोमन में, तो सेकंड का आंसर ये है। अब थर्ड का करते हैं, ठीक है, थर्ड समझ लो कैसे करना है। थर्ड बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा। तो जो एवरी रियल नंबर होता है हमारा, क्या वो इरेशनल नंबर होगा? नहीं, नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि गाइस रियल नंबर में हमारे इरेशनल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर में भी हमारे, ठीक है, तो रियल नंबर में हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर कि रियल नंबर में हमारे इरेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो एवरी रियल नंबर होगा उसमें हमारा इरेशनल नंबर भी होगा, तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज यू कैन राइट और यू कैन यूज़ द रीज़न ऑफ फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन। तो आपको लिखना है रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका रीज़न, अब आप अगर आपको नहीं पता है तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वहीं रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, 0 को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 बाय 1, 2 को लिख सकते हैं 2 बाय 1 या 2 बाय 3, कुछ भी कर लो। तो ये रेशनल नंबर के एग्जांपल है। इरेशनल नंबर के एग्जांपल थोड़े अजीब हैं, जैसे कि हमारा हो गया √2, √3, ठीक है, पाई, ठीक है, और √π हो गया, या कुछ भी ले लो नंबर हमारे 5 + √2, एक्सपोनेंट, ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं, इरेशनल नंबर के। अंडरस्टूड? सो या, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन पे शो करना होगा इरेशनल नंबर को, कैसे करते हैं, लेट्स सी।